हेलो एवरीवन, मैं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो हम लोग का वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग पहला क्वेश्चन है वो है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। यानी कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट दिए हुए हैं और इन डिजिट से मिलाकर हम लोग को फोर डिजिट नंबर बनाना है, और फोर डिजिट के अंदर वो भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और साथ में स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर फोर डिजिट दिए हुए हैं और इन्हीं फोर डिजिट से हमको फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी ग्रुप ऑफ डिजिट दिए हुए हैं अगर हम लोग इसके अंदर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो नंबर इसके अंदर जो सबसे बड़ा हो उस नंबर को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन इस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर जो हम लोग का मैक्सिमम नंबर हो यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर हो उस नंबर को हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे। तो इस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर जो 8 जो है वो जो है इसमें सबसे ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले जो हम लोग नंबर लिखेंगे वो होगा 8। इसके बाद जो नंबर हम लोग लिखेंगे उसके बाद इससे जस्ट छोटा जो नंबर इस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर दिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंदर 8 से जस्ट छोटा नंबर जो है 7। तो इसके बाद हो जाएगा 7, फिर 7, फिर उसके बाद जो होगा उससे जस्ट छोटा नंबर जैसे जस्ट छोटा जो है 4 जाएगा, 4 लिख देंगे। फिर उससे जो छोटा जो होगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर 2 है 2 लिख देंगे। यानी कि जो हम लोग अगर हम लोग किसी ग्रुप को डिजिट दिया हो उसके अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो सबसे मैक्सिमम डिजिट होगा ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर उस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर उससे जस्ट छोटा नंबर जो होगा उसके उसके बाद लिखेंगे, फिर उससे जस्ट छोटा नंबर उसके बाद लिखेंगे, फिर उससे जस्ट छोटा नंबर को उसके बाद लिखेंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग किसी भी ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो जस्ट हम लोग इसके उल्टा करेंगे, यानी कि जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर सबसे छोटा होगा सबसे पहले लिखें, फिर उससे जस्ट जो बड़ा नंबर होगा उसके बाद लिखेंगे हम लोग, फिर उससे जस्ट जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग उसके बाद लिखेंगे, फिर उससे भी जस्ट जो बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे। तो हम लोग इस पहले क्वेश्चन के अंदर से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बना लिया और साथ में स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बना लिया। कैसे बना लिया, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर हमने सबसे मैक्सिमम डिजिट सबसे पहले देखें, सबसे पहले मैक्सिमम डिजिट को लिखें, फिर छोटा नंबर उससे छोटा डिजिट को लिखें, फिर से छोटा, फिर से छोटा, इस तरह से जो हम लोग को सारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। फिर जो उसके अंदर से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले लिखा, फिर उससे जस्ट जो बड़ा डिजिट है उसको लिखा, फिर उससे जस्ट जो बड़ा है उसको लिखा, फिर सबसे बड़ा नंबर को लिखेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग पहला क्वेश्चन है इसके अंदर से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया और साथ में फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसके पहले है सबसे बड़ा नंबर जो है 9 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है। इस तरह से जो इसके अंदर से भी हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए। फिर अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम छोटा नंबर को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला नंबर को, फिर उससे बड़ा वाले को, फिर सबसे बड़े वाले को। यानी कि इसमें इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग सबसे बड़ा फिर छोटा, उससे छोटा फिर छोटा, और वही स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो जैसे इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए जैसे 1, 4, 7, 9 इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो जस्ट हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं तो उसके मदद से हम लोग उस डिजिट उस ग्रुप ऑफ डिजिट से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बहुत आसानी से उसको जस्ट पीछे से वापस लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर पे, तो ऐसे ही बन सकता है। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो ये है, इसके अंदर जो हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ये है 7, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 0, इस तरह से इसके अंदर से हम लोगों ने सबसे बड़ा नंबर बना लिया। फिर अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जैसे हम लोग हमने बताया इन सारे क्वेश्चन में कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम लोग सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके बड़ा वाला। यानी कि अगर इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ये जो कुछ ये जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के आगे अगर 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे इसके आगे अगर 0 है यानी कि ये जो है 3 डिजिट ही नंबर रह जाएगा, 3 डिजिट का नंबर ही रह जाएगा। इसलिए अगर किसी भी अगर किसी ग्रुप को डिजिट के अंदर अगर 0 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ के उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको खोजेंगे।
तो इसके अंदर जीरो को छोड़ के सबसे छोटा नंबर जो है फोर है, इसमें पहले फोर लिखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट सबसे छोटे नंबर लिखने के बाद जस्ट हम लोग केवल इसके बाद जीरो लगा देंगे, फिर जो हम लोग नॉर्मल ट्रेंड था इसके अंदर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा ऐसे चलते जाएंगे, फिर फोर से बड़ा जो है फाइव है, फिर उससे बड़ा जो है सेवन है। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक स्पेशल चीज सीखा कि अगर ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर जीरो दिया हो, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम लोग जीरो को सबसे पहले यूज नहीं कर सकते, हम लोग जीरो को केवल पहले पहले जो सबसे छोटा डिजिट है उसको खोज के उसके बाद ही हम लोग जीरो का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो है सेवन है, फिर इसके बाद वाला जो इसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो है सिक्स, फिर टू, फिर वन, फिर इसी तरह से आसानी से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बना लेंगे, जैसे इसको उल्टा साइड से गिनकर वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा और सेवन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बना दिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी तरीके से हम लोग इसको भी बना लेंगे, इसमें भी अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट को खोजेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट जो है फाइव है, फिर हम लोग अगला जो इससे छोटा नंबर जो है वो है फोर, फिर अगला जो है थ्री, फिर जीरो, फिर इसके अंदर भी इसके ऐसा है जीरो दिया है, जीरो दिया है तो जीरो को हम लोग छोड़ के सबसे पहले हम लोग जीरो के अलावा जो सबसे छोटा नंबर होगा, जीरो को छोड़ के सबसे छोटा डिजिट होगा उस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर सबसे पहले हम लोग उसको काउंट करेंगे। इसके अंदर जो छोटा छोटा डिजिट है जीरो को छोड़ के वो है थ्री, फिर हम लोग थ्री लिख देंगे, फिर उसके बाद जीरो लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो नॉर्मल ट्रेंड रहेगा वैसे हम लोग ला लेंगे। यहाँ पर मेन चीज़ जो हम लोग को समझना है वो कि अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी तरीके से एक ये बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर जीरो दिया हो तो जीरो दिया है तो हम लोग जीरो को उसको सेकंड प्लेस पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर जीरो को हम लोग फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं तो उसका जो नंबर डिजिट होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लगाए थे तो एक जो नंबर था थ्री डिजिट कहीं रह गया था, इसीलिए हम लोग जीरो को पहले नंबर इनकी सेकंड प्लेस पे लगाते हैं। तो आशा करते हैं कि जो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आओगे। तो अब हम लोग देखेंगे अगला, अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो ये है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको फोर डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे थ्री डिजिट ही हम लोग को दिया है और हम लोग इससे फोर डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि हम लोग किसी एक नंबर को दो बार यूज कर सकते हैं। तो इन सारे डिजिट के अंदर हम लोग फोर डिजिट नंबर बनाना है, थ्री डिजिट नंबर दिया हुआ है, हम लोग किसी इसके अंदर जितने भी नंबर दिए हुए इसके अंदर हम लोग को किसी भी नंबर को ट्वाइस करके जो यानी कि दो बार यूज करके जो भी हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर होगा या फिर स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम लोग को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए ये भी जस्ट सिंपल उसी तरह से बनाना है, बस हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट बनाने के अंदर जो हम लोग सबसे मैक्सिमम डिजिट होगा यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जो होगा उसको हम लोग जस्ट दो बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आपको हमें कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग किसी एक नंबर को दो बार यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो सबसे मैक्सिमम डिजिट है उसको हम लोग दो बार यूज करेंगे, फिर उसे फिर जो नॉर्मल ट्रेंड था उसके पहले वाले क्वेश्चन में उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे मैक्सिमम डिजिट जो एट था इसको हम लोग दो बार लिख दिए, फिर इससे छोटा जो नंबर होगा सेवन इसको लिख दिए, फिर इससे छोटा जो नंबर है थ्री इसको लिख देंगे, और जब सिंपल वैसे ही हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको दो बार लिख देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है थ्री जो है इसको हम लोग इसके अंदर दो बार लिखेंगे, और फिर नॉर्मल ट्रेंड है वैसे ही हम लोग फॉलो कर देंगे, यानी कि यहाँ पर थ्री था इससे बड़ा नंबर जो है कौन सा सेवन है, फिर इससे बड़ा जो है एट है। इसी तरह से नॉर्मली हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो नंबर है नाइन है, तो हम लोग नाइन को डबल यूज कर लेंगे, डबल दो बार लिख लेंगे, फिर फाइव हो जाएगा, फिर हम लोग का जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जीरो आ गया, तो जब भी जीरो आएगा हम लोग अटकेंगे, यानी क्वेश्चन हम लोग को समझ नहीं आएगा कि हम लोग कैसे करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो इसमें भी अगर जीरो देता है तो हम लोग जस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जीरो को छोड़ के जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, जैसे इसके अंदर जीरो को छोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है फाइव। अगर ऐसे नहीं करते हम लोग, अगर हम लोग जीरो लिख देते हैं तो जीरो डबल जीरो लिखेंगे,
फिर अपना नंबर जो है ऐसे लिखेंगे, तो ये जो नंबर हो गया टू डिजिट कहीं रह जाएगा। फिर तो हम लोग का जो कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग को नंबर जो है 4 डिजिट कराना है, ये जो कंडीशन हमको सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी जीरो को छोड़ के जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और हम लोग जीरो को डबल बार यूज करेंगे, यानी कि जीरो को 2 बार यूज करेंगे। यहाँ पे जीरो जो होगा डबल बार यूज हो जाएगा, उसके बाद नंबर है 9। तो इस तरीके से अगर जीरो दिया हो और इस तरह कंडीशन हो, यानी कि 3 डिजिट दिया हो बोल रहा 4 डिजिट लाने के लिए, यहाँ पे जीरो को हम लोग बीच में 2 बार यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग का जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। फिर जो हम लोग अगला क्वेश्चन, इसके अंदर भी हम लोग को जस्ट सिंपल इसी के जैसा दिया हुआ क्वेश्चन, ये भी इसके अंदर भी जीरो दिया हुआ है, तो इसमें भी अगर हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जो सबसे पहला डिजिट होगा उसको हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर में 2 बार यूज कर देंगे, फिर इससे जस्ट थोड़ा सा नंबर उसको यूज करेंगे, फिर जस्ट छोटा काम। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में जिस क्वेश्चन के अंदर जीरो दिया हो उसमें हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर ऐसे कंडीशन दिया हो तो इसके अंदर हम लोग जीरो को छोड़ के जो छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर जीरो को हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं, फिर तो नंबर होगा नॉर्मल, ऐसा हम लोग कर लेंगे। उसी तरीके से इस ये जो क्वेश्चन है आसान है, इसके ऐसा है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम डिजिट होगा उसको हम लोग डबल बार यूज कर लेंगे, क्या था कि यहाँ पे 3 डिजिट हम लोग को दिया था, और यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था 4 डिजिट नंबर बनाना है, और साथ में कंडीशन दिया हुआ था कि हम लोग 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर के अंदर जो भी नंबर हम लोग को सूटेबल है उसको हम लोग डबल यूज करके 4 डिजिट पर नंबर बना सकते हैं। तो इस कंडीशन पे हम लोग इस कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ऐसा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद द कंडीशन एज गिवन, यानी कि इसके अंदर भी हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी किसके मदद से, किस यानी कि कोई भी डेट का यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 के बीच में हम लोग किसी भी नंबर का यूज करके इसके अंदर जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। जैसे पहला जो कंडीशन दिया हुआ है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस, तो ऐसा करते हैं कि आपको ये मालूम होगा कि जो नंबर ऐसे जो हम लोग किसी नंबर को लिखते हैं तो यहाँ वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं वंस, यहाँ वाले को बोलते हैं टेंस, यहाँ वाले को 100 जिसके अंदर जो 7 होगा हमेशा जो होगा वंस प्लेस पे आना चाहिए, जो 7 होगा हमेशा वंस प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग किस कौन सा नंबर डालें जो कि हम लोग इसको 7 वैसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 7 हो और नंबर जो हो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हो, तो हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे लिखा हुआ कि हम लोग किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग का जो कलेक्शन ऑफ नंबर होता है यानी कि इतना ही नंबर का इतना ही नंबर होता है, इसलिए हम लोग इतना ही नंबर की मदद से ही इसमें हम लोग बनाएंगे। उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो इस ग्रुप ऑफ नंबर के अंदर जो सबसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर वो है 9, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग 4 अलग अलग डिजिट का यूज करना है, इसलिए हम लोग ये नहीं कि हम लोग केवल लाइन को ही 4 बार यूज करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाले नंबर को उसके बाद लिखेंगे। फिर चूंकि यहाँ पे हम लोग को 4 डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे खुद पहले से ही 7 दिया हुआ वंस प्लेस पे, इसलिए हम लोग 7 के अलावा जो नंबर होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया ये 9, 8, 6, 7। तो हम लोग को सबसे आसान तरीका सबसे सिंपल है कि जो कंडीशन दिया हुआ है वो ठीक है, हम लोग उन्हें स्कोर रखे उसके जगह पे,
और ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो हम लोग इस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर से हम लोग सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसको लिख लेंगे। अगर मैच कर रहा हो ये डिजिट उसके साथ तो उसको हम लोग छोड़ के जो उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसको लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा वाले नंबर को ले लेंगे। सबसे छोटा के अंदर तो हम लोग जियो ले नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले वन से स्टार्ट करेंगे। वन से स्टार्ट होने के बाद जियो लिखेंगे, इसके बाद टू। फिर जो हम लोग अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिजिट फोर इज ऑलवेज एट द टेंथ प्लेस, यानी किस कंडीशन के अंदर जो हम लोग का डिजिट फोर होगा हमेशा टेंथ प्लेस पे होना चाहिए। और हम लोग इसी ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर से ही हम लोग इसके ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर उसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर खोजेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, उसके बाद जो नंबर है 8 है, और चूंकि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है इसलिए हम लोग ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, 9 8 7 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जीरो को तो हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए 1 को रखेंगे पहले, उसके बाद 0, फिर जो हम लोग का नंबर जो अगला नंबर होगा 2। इस तरीके से हम लोग जो स्मॉलेस्ट नंबर वो भी बन जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग अगला कंडीशन है डिजिट 9 इज ऑलवेज एट द 100th प्लेस, यानी कि जब डिजिट 9 हो हम लोग का हमेशा 100 प्लेस पे रहना चाहिए कि यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अनुसार 9 जो है पहले ही ऑलरेडी बुक्ड है, इसलिए हम लोग 9 के छोड़ के ग्रेटेस्ट नंबर आना है तो 9 को छोड़ के उसके अलावा जो नंबर है उसको हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में कि हम लोग को 4 अलग अलग नंबर का यूज करना है। 9 के छोड़ के जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद 6। फिर अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जस्ट नॉर्मल वैसे ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे आगे जियो को हम लिख नहीं सकते, क्यों? अगर जियो को हम आगे लिखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट जो होगा कम हो जाएगा। ये 1 लिखे हैं, फिर इसके बाद तो 0 का यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे 0 लिखे हैं फिर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो हम लोग अगला क्वेश्चन होगा 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस, यानी कि 1 होना चाहिए हम लोग हमेशा 1000 प्लेस पे ही होना चाहिए। तो 1 अगर 1000 प्लेस पे है तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लाना है, सबसे ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगा उसके अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट को सबसे लिख देंगे, फिर उसको उससे भी छोटा होगा उसको लिख देंगे, फिर उससे छोटा होगा उसे लिख देंगे। फिर इसी तरीके से अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट के अंदर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो 1 को छोड़ के हम लोग उसके अलावा नंबर सोचेंगे। 1 भी छोड़ के जो 0 है 0 लिख सकते हैं, फिर 2 है 2 लिख सकते हैं, और फिर 3 लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ पर पहला कंडीशन था कि 7 जो हम लोग को हमेशा 1 स्पेस रहना चाहिए, तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर उस ग्रुप ऑफ डिजिट के अंदर से खोज लिए हैं। तो सबसे बड़ा नंबर को लिखेंगे, फिर छोटा लोग उसको लिखेंगे, फिर छोटा नंबर को लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बना लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने में वही ध्यान रखना है कि 0 जो हो हम लोग को कभी भी पहले नहीं आना चाहिए, जस्ट नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते रहेंगे, जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे और वहाँ पर जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे। यानी कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया हो जो इतना कंडीशन है उसको हम लोग ऐसा सोचना है कि कंडीशन जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, जो कंडीशन है उसी कंडीशन के साथ हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी जो है हम लोग आंसर सही आ सकता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन चारों क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज कुछ और क्वेश्चन के साथ।